बुढ़ार रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन को लेकर आए दिन बहस का माहौल बना रहता है। यहां पर यात्रियों ने टिकट काउंटर पर बैठने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए बताया है कि दलालों के माध्यम से रिजर्वेशन फॉर्म आसानी से भर दिया जाता है, जबकि स्वयं यात्री द्वारा रिजर्वेशन कराने पर काफी मशक्कत करना पड़ती है। रिजर्वेशन पूर्ण न होने पर रेल प्रबंधन के राजस्व की भी क्षति होती है। आपका? मैं एस के पांडे, प्रिंसिपल। क्या समस्या आ रही है? ये क्या करते हैं, 10-10, 12-12 फॉर्म लेते हैं दलालों से, और 20-20, 50-50 रुपए के चक्कर में जनता डेढ़ घंटे के उनको फॉर्म नहीं देते हैं, इकट्ठे फॉर्म देते इकट्ठे, क्या आप ले जाकर भरा के बाद में ला कर देते हैं, वो आके लग जाते हैं साइड से। साइड वालों को पहले टिकट देते हैं, वो डेढ़ घंटे लाइन नहीं खींच सकते 2 घंटे से। उनसे कहते हैं कि रेलवे का नुकसान हो रहा है, पर वो मानते नहीं, वो कहते हैं धमकी देते हैं जो उखाड़ना उखाड़ लो। एसएम साहब 2 बार आए, जीआरपी वाले 2 आए, वो मानने को तैयार नहीं है, खिड़की के अंदर से धमकी देता जनता को। क्या नाम है उनका? राव ऐसा कुछ राव है। इनकी 13 कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है डिपार्टमेंट में। वॉइस ऑफ राइट क्लिश अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।